गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अदर वीडियोस। सो गाइस, आज है संडे एंड मेरे पास ऐसा कुछ करने था नहीं, मैं आज फ्री हूँ पूरा टाइम, तो क्या करूँ। तो मैंने मोबाइल हाथ में उठा ली, वीडियो चालू कर ली और मैं बोली चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। मैं सोची क्यों ना मैं अपना आज का व्लॉग, संडे व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो स्टार्ट, मैं तो ब्रश आप लोगों ने देख लिया, मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है इतना लेट 11 बजे। एंड ब्रश होने के बाद अब ये मेरी है ब्लैक कॉफ़ी। मेरे को नाश्ता इतना लगता नहीं, ब्लैक कॉफ़ी, एक एप्पल या एक अंडा बस हो जाता है। सो मेरे बाल में भी थोड़ा बहुत तेल लगा हुआ है क्योंकि रात में सैटरडे था, तो मम्मा ने रात में बहुत ज़्यादा चम्पी कर ली है मेरी। तो मैं फ्रेश होके नहा धो के आप लोगों को मिलती हूँ। आई रही हूँ, आवाज दे रहे, क्या हो गया? प्याले दो। कौन से? इधर है ना वो स्टील के। ओ आओ आए लो मम्मी। अच्छा तो रियाना और आप मिलके तब से ये काम कर रहे थे। हेल्प चाहिए क्या मेरी? नहीं, मेरे को कमेंट चाहिए, बोले कैसी बेटी है, अम्मी वहाँ पे काम कर रहा और ये व्लॉग बना रही है। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी की हेल्प करने के लिए। मम्मी को तो ऐसे ही खड़ा क्यों है ना अम्मी? हाँ। मम्मी कुछ काम नहीं करते, सब घर के काम मैं करती हूँ। रिएक्शन देखो। तो अभी जस्ट हम लोग ने किचन का सारा सामान सेट कर लिए एंड उतने में डोर बेल बजती है और मालूम पड़ता है कि हमारे पास आ गया है फ्लिपकार्ट से क्या मम्मी, एयर फ्रायर, मम्मी का गिफ्ट, मेरे तरफ से गिफ्ट नहीं, ऐसे मम्मी को मालूम था, मम्मी ने ही बोले थे मेरे को चाहिए करके। तो वो आ चुका है, मम्मी उसकी करी ओपनिंग, अम्मी को सबर नहीं। मैं बोली अम्मी जरा 2 मिनट रुको, साथ में करते, बट नहीं, मम्मी बोले मेरे को अब बीच करने का है। ये भी हम लोग ने रमजान के लिए मंगाए, क्योंकि जब हम लोग सब बनाते चिकन फ्राई वगैरह उसमें तेल बहुत हो जाता है, तो इसमें कम तेल में बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती है, इसलिए मुझे ये चाहिए था। मैं सोच रही हूँ मम्मी को भी एक यूट्यूब चैनल खोल के दे दूँ, क्योंकि मम्मी मेरे से अच्छा बोल लेते हैं। हाँ सही है मम्मी, तुमको ना मैं किचन का यूट्यूब चैनल खोल के दे देती हूँ, आप उसमें रेसिपीज बनाओ। बाय द वे, रेसिपी से मुझे याद आया है, आज है संडे तो हमारे घर पे हर बार संडे स्पेशल बनता है, तो आज शाम को मैं कुछ तो यमी सा बनाने वाली हूँ। सो डोंट स्किप द वीडियो, वीडियो पूरा एंड तक के देखना, क्योंकि बहुत यम और बहुत उम्दा रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उसे ज़रूर देखना। ऐसा हो गया कि मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, वो मेरे घर पे आ रही है, तो वो भूल गई है मेरा फ्लोर, तो मैंने उसको गलत फ्लोर बता दी, मैं उसको मेरे फ्लोर से नीचे वाला फ्लोर बताई, अब वो जाएगी वहां पे और उसके साथ जो होने वाला वहां आप देखना, मैं जरूर शूट करूंगी। ये एयर फ्रायर सेट हो गया अपनी जगह पे। मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा। सॉली आ गई, अब मजा आएगी। इतनी खराब इतनी खराब है तो 4 बार बोली मेरे को। मैं नीचे गई, वो घर में ठोक रही, मुझे पूछना भी दिख रही है, तो आंटी ने क्या बोले? आंटी देखो कितनी खराब है आंटी। अस्सलाम वालेकुम। और मैं वहां से मैं खड़ी हूँ, बोले भी खोले ही, रुको खोले तो खोले। आंटी ने क्या बोली? मेरे को देख रही है, मैं बोली पूछना भी है, बोलती नहीं ऊपर रहती है, बोले जो हाँ पास वाले। आंटी को मालूम है पूछना कहाँ रहती है? ऑफकोर्स मालूम है, मेरी दोस्त रहती नीचे, मैं बेड़ा पर मैनेज से बात मत कर। तो तू रोज आती है फिर भी तूने मुझे बोली, मैं कंफ्यूज हूं चारों। मैं बोली आज इसको सबक मिलना चाहिए। मैं बोली मैं भूल गई, मैं तुझे साथ कमी नहीं। अरे मेरी इस तरह रोज तो आ गई, क्या बोलती है हमेशा जब भी आएगी ना तभी हेलो बुशरा सुनना, मैं तेरा फ्लोर भूल गई, तेरा फ्लोर बता दो। अरे भूल गई मैं, थोड़ा डेली डेली आती हूँ।
अरे भाई एक बार मैं तेरे घर पे आई थी, उसके बाद दोबारा बराबर पहुंच गई थी। तेरा वाला कुछ था ना, तेरा वाला हिस्सा 12 वाला था। हाँ एक ही तो ऊपर गई मैं, तो मैं भी एक ही नीचे रह जाती है घर पे। पागल यार मेरे को जाने का शौक भी नहीं इंडियन आइडल में। अर्चना गौतम लग रही है ऐसा फील हुआ मेरे को अभी मेरी चावल सुनी। मैं बोल रही हूँ ऐसा मत बोल, सही में कमेंट आने लगेंगे सब लोग, फिर वही नाम से बुलाएंगे। गाइस नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं 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 गाइस एक्चुअली मैं ये अमन के साथ थी, अमन के साथ मैं एक्टिंग करी थी लड़के से, लड़का बन के बात करने की, इसलिए मेरा मुंह से निकल गया डोंट टेक इट रॉन्ग। मैं मिलती नीचे जाके पागल वेरी सिंगर। यस आई एम डबल स्टैंड से नहीं हटा पा रहा है। डबल स्टैंड से नहीं हट रही है भाई। तौबा 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 बेचारा क्या आज का पूरा दिन सही है। मेरे को हंसते हंसते ना पेट टूट गया है मेरा। एड़ी मत बोल, मारूंगी पकड़ के मेरी बाइक को। कुछ बोल दो एड़ी से। हाँ मेरा बच्चा है वो देख। अरे आगे लग जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? जब से वो बोल रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा। पापा था पीछे है, पीछे इससे खुद से भी ये नहीं हो रहा है। सही है मैं आज तक कभी मुमरा में ऐसे नहीं घूमी हूँ जैसे तू घूम रही है। हूँ क्या कर रही है? पूरे रास्ते में खाली इंग्लिश वो भी गई गुजरी इंग्लिश इतनी गई गुजरी बोले जा रही है और सब मेरा मुंह देख रहे। तो अब हम जा रहे हैं कहाँ जाएंगे? ड्राइवर अमन आ चुका है, जा रहे घूमने। ड्राइवर अमन नहीं, मैं और अमन बच्चे रहे कोइक्शा से आ रही है वास लेने के लिए काका नगर पे। वास तोड़ दिए, वास तोड़ दिया अब, वास तोड़ मेरे घर का, इसने वास तोड़ दी। तो अभी ये मेरे को खरीद के देने वाली है गिफ्ट। अब मैंने बोल दिया अपने को गिफ्ट देना पड़ेगा। देख रहे मैं तो बस मजाक कर रही थी कि तो शौक लगा। एक 500 रुपए का वास नहीं गिफ्ट कर सकती। हजार का अभी फुल रिकॉर्ड करने वाली। देखे टेंशन बदले मैं ही खरीद रही हूँ। चुपचाप रिक्शा पकड़, चलो हम मिलते हैं डायरेक्ट वास की शॉप। फाइबर का था वो गिरने से टूट गया था। हाँ टूट गया वो, गिरने से टूट गया। ये क्या अनब्रेकेबल चीज है, इसको गिरने से 50 बार गया टूटेगा बुटेगा नहीं। ये सेम टू सेम है बट ऐसे में मेरे को और एक अच्छा लगा है। लेट्स सी उनके पास अगर रहेगा तो अच्छा है। मेरे को एक बेडरूम के लिए अच्छी। ये रेड में, इसमें दूसरे में नहीं है, यही कलर में नहीं है। ये वाला एक ले लेते और अंकल अंकल दे दो एक, ये दो और एक वाला। ओ शिट क्या हो गया, क्या चल रहा है ये? बेटर को बस फेस से बस अच्छा लगा भी मैं बाहर से आया तो उम्र का काटने के लिए ले रहा था यार। मेरे को बोले ला दे, मेरे को लगा कि काट रहे हैं यार। अरे मैं ब्लॉग बना के बाहर से आया ना तो मेरे फेस के ऊपर पूरा टैनिंग आ गया रहेगा अंदर का। मैं ये खाने के लिए मैं इतना मुशक्कत करके बना रही हूँ। कष्ट करके मुशक्कत नहीं। हाँ
मैं तो कष्ट करके बना रही हूँ। मुशक्कत भी बोल सकते हैं वो उर्दू में, कष्ट हिंदी में। तो मैंने सही बोली ना पागल, मैं तो कष्ट करके बना रही हूँ। क्या बना रहे हो, वेज पुलाव? नहीं, ईरानी पुलाव। सही में डाल दिया पागल। अरे बहुत टेस्टी बनेगा बिल्कुल, ईरानी पुलाव नहीं इब्राहिम पुलाव हो जाएगा वो। वो यार 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 सी वो मात ना काम है मेरा है वो। मेरे व्यूवर्स इंतजार कर रहे हैं मेरी रेसिपी के लिए, प्लीज। तो रेसिपी ईरानी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को पानी में भिगो के रख देंगे। उसके बाद 1 से 1.5 किलो तक चिकन लेंगे, उसमें नींबू का रस डाल देंगे, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल के उसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद एक बाउल में तंदूरी मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और काली मिर्च पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। उसमें एक एक करके चिकन को मसाला लगा देंगे और कुछ टाइम के लिए ढक के रख देंगे। चावल बनाने के लिए एक टोप में पानी को अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। उसके बाद सारे अखे गरम मसाले डाल देंगे, साथ में नींबू भी डालेंगे। मैंने नींबू का आधा पीस डाली हूँ, आप चाहे तो नींबू का छिलका भी डाल सकते हैं। इससे चावल खिले खिले होते हैं। और मैंने ईरानी पुलाव के लिए बासमती चावल का इस्तेमाल किया, साथ में मैंने 1 चम्मच तेल भी डाल दी। पानी अच्छे से उबलने के बाद मैंने सारे चावल जो मैंने भिगा के रखी थी उसे अच्छे तरीके से धो के पतीली में डाल दी। उसके बाद मैंने एक फ्राई पैन ली, उसमें जो भी मैंने सब्जी काट के रखी थी वो सारी सब्जी को डाल के अच्छे से फ्राई कर ली नॉर्मल तेल में, जैसे कि हम फिश फ्राई करते हैं वैसा ही। उसमें डाल के हमें फ्राई करके निकाल देना, एकदम भी फ्राई नहीं करना है। उसके बाद जो चिकन था उसे मैंने अच्छी तरीके से ग्रिल कर दी। अब बारी आती है थर लगाने की। एक टोप में मैंने घी ली, उसमें मैंने चावल डाल दी, उसे अच्छे तरीके से फैला दी। उसके बाद मैंने सारी फ्राई की हुई सब्जियां जो कि टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, गाजर और मटर था वो डाल दी, उसके ऊपर चिकन लगाई। उसके बाद फिर जो सेम चीज़ है वो रिपीट करी। मैंने आखिरी थर पे बस कलर डाली, फ्राइड ऑनियन डाली जिसको बिरिस्ता बोलते हैं, एंड उसे 15 से 25 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे ढक के रख दी। इसी के साथ हमारी ईरानी पुलाव हो जाती है रेडी। अब बारी आती है प्लेटिंग की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो क्या बनाई मेरी बच्ची ने। पक्का अच्छा है? हाँ सच्ची। कैसा है? बहुत मस्त। आप भी बनाओ। बहुत यम बना है, बहुत यम बना है। मम्मी को, अमान को, सबको अच्छा लगा है। इसका नाम है ईरानी पुलाव। ईरानी पुलाव बहुत अलग अलग इसमें बनते हैं, रेसिपीज बहुत अलग अलग है, बट हम लोग के घर में जैसा ईरानी पुलाव बनता है ना, ये वैसा ही है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि बुशरा पता नहीं कुक करती है कि नहीं, नहीं सिर्फ रोटी छोड़ के और चाय बनाने नहीं आता है, बाकी सब मेरे को बनाने आता है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत ही अच्छा बना है, अगर आप लोग चाहो तो ये घर पे बना के ट्राई कर सकते हो। बहुत यम बनी है एंड सबको ज़्यादा अच्छी लगी है। इब्बू कुछ काम से आए थे, मिलके चले गए, वरना मैं इब्बू को भी खिलाने वाली थी। चलो गाइस, मैं बहुत थक गई हूँ आज का पूरा व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। तो मैं मेरा संडे ऐसे इंजॉय करती हूँ फ्रेंड्स लोग के साथ और मेरे संडे की स्पेशल डिशेस के साथ। तो चलिए मैं चलती हूँ अब खाने के लिए, क्योंकि रात के 11 बज गए और मैं बहुत भूख लगी, हम लोग सब थक गए। और ये मम्मी के लिए सरप्राइज था जो कि मम्मी को बहुत अच्छा लगा। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। आप लोग भी आओ खाना खाने। और इसी के साथ ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अपना, और जल्दी से मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स कर दो। लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। बाय बाय।